मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चले कि तू आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूं हुकूमत बेवकूफों को देता हूं, अजालुल मुल्क फी सुफहाइहिम, हुकूमत बेवकूफों को देता हूं, वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूं जो सिर्फ गिन गिन के खुश होते रहे, और बारिशें बेवक्त करते हैं, बारिशें बेमौसम की हो जाती हैं, पैसा बखीलों के पास, हुकूमत निकम्मों के पास। कहा, अल्लाह जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी? क्या उसकी निशानी यह है कि अजअलुल मुल्क फी उलमाएहिम, हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, वल माल फी सुमहाएहिम, और पैसा सखियों को देता हूं, और बारिशें वक्त पे करता हूं। तो मूसा समझो मैं अपने बंदों से राजी हो चुका। तो इतआम उत्ताम में इशारा है, सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह ताला की एक वीआईपी जन्नत है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने बाकी जन्नतें बनाई, कुन कुन कुन, जन्नतुल फिरदौस बनाई अपने हाथों से, क्या चीज बनाई होगी? तो अल्लाह ने कहा, वइज्जती वजलाली ला युजावरुनी फीकी बखील, ए जन्नत मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, तेरे अंदर बखील नहीं जा सकता, मर्द या औरत बखील नहीं जा सकता, सखी जाएगा, बखील नहीं जा सकता। बखील से अल्लाह की दोस्ती लग नहीं सकती और सखी से टूट नहीं सकती। शैतान कहता है, मैं इबादत गुजार और बखील हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ये आप पे ही मारा जाएगा, हे कहते हैं आप पे ही जा बैठा है, ये जो पैसे की कशिश है उसको मार देगी, और नाफरमान सखी से डरता रहता हूं कि पता नहीं कब बख्शा जाए, पता नहीं कब बख्शा जाए, कब सखावत को अल्लाह पसंद करके चलो पार कर। अच्छा, जिब्रील पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली व बिलबासे बादल मौत। ईमान अकीदा, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी। ये मदीने का सवाल है। अब आखिरी हज का सवाल है, या रसूल अल्लाह मल ईमान। पहले सवाल करने वाले जिब्रील हैं और ये सवाल करने वाले अमर बिन अब्स हैं, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया? असब्रु वस्समाहा, असब्रु वस्समाहा। अब छत बता रहे हैं, ईमान ये है सबर कर और माफ कर, सबर कर और माफ कर। मेरे भाई बहनों, मेरे रब की कसम, जैसे ये है ना, वजअलना मिनल माए कुल्ला शयइन हय्यन अफला युमिनून, अल्लाह ने हर जानदार का लाजमी जुज पानी बनाया, पानी, पानी निकाल दो तो आदमी मर जाता, डिहाइड्रेशन से मौत वाकई हो जाती। हर जानदार का लाजमी जुज पानी, दीन की तमाम सिफात का लाजमी जो सबर, सबर निकाल दो तो सारा दीन कचरा बन जाता, सबर निकाल दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, ईमान क्या है? सबर करना, माफ करना। माफ वही करेगा जो सबर करेगा, जिसे सबर नहीं आता उसे माफ करना भी नहीं आता। तो ईमान क़यामत के दिन ऐलान होगा, सबर वाले खड़े हो जाओ, थोड़ी सी जमात खड़ी होगी, चलो जन्नत में जाओ, उनको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देगा। जब आप सबर करते हैं तो एक ताकत बनता है, लोगों की मनफी चीजों को आप अपने अंदर सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सबर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, फिर वो ताकत बना के आपके अंदर से बाहर फेंकता है, जो पहाड़ों में सुराख कर देती है। अगर हम सबर करना सीख और माफ करना सीख, 21 बरस कत्ल करने वालों के मंसूबे बनाने वाले अहले मक्का, आपने एक बोल पे फरमाया जाओ माफ कर, कमाल। 21 बरस कत्ल के पीछे फिरते रहे, जंगे खंदक के फौरन बाद मक्का में कहत आ गया, तो हमारे नबी ने 300 दीनार
तो 10-15 लाख रुपया बनता है। आपने मक्के में अबू सुफियान को भिजवाया जो जंग खंदक का सालार बन के आया था। आपने कहा मक्के वालों में कहत है इनको खाने खिलाओ मेरी तरफ से। तो अबू सुफियान कहने लगे वाह मोहम्मद तेरे कुर्बान जाऊं, हम तुझे कत्ल करने के पीछे फिर रहे तो हमें खाने खिलाता फिरता है। ये मेरे नबी के अखलाक है, मेरे नबी को माफ करना। आप सोए हुए हैं, आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके पसली में मारी, आप उठ के बैठ गए। तो कहने का कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह, आपने कहा अल्लाह तो उसका हाथ कांप और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए। तो कहने लगा मैंने तू ही बचावना है और कहीं बचावना। तो आपने कहा कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं पढ़ता। अब तो आप उसकी गर्दन उड़वा दे, ये खुद ही उड़ा देते। जो कह रहा मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, कत्ल के इरादे से आना ही उसके कत्ल के लिए काफी था। आपने फरमाया कलमा पढ़ते हो, कहने लगा नहीं। आपने कहा जाओ माफ हो जाओ, माफ हो सावा के सामने जाओ माफ हो जाओ। भाइयों इंसान और खता लाजमी है, अगर माफ करना ना सीखा तो हम खुद ही दुखी होकर रह जाएंगे। लोगों के जख्म भुला दो, अल्लाह पर डाल दो, अल्लाह सिला देगा, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। देखो हम अपने ये कुर्ते पर दाग नहीं लगने देते, अपने बस से दाग। खाना खाने बैठो नैपकिन, ये देखो अभी नैपकिन पड़े हैं, रखो अगू रखो तोड़े चोले तो कोई सालन ना ढह पावे, ठीक ये तो फिर भी धुल जाएगा। लेकिन यहां दाग लगा कभी नफरत का, कभी गुस्से का, कभी इंतकाम का, कभी हसद का, कभी बुगज का, कभी कीने का। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है। ये मामूली से कपड़े को दाग से बचाते हो, जो सबसे कीमती चीज है दिल जो बादशाह है, इसे भी तो साफ सुथरा रखो। जैसे हम लाख जोर लगा लें, हम कपड़े को मैल से नहीं बचा सकते। लाख जोर लगा लो, लोगों के मनफी रवैये आपको तोड़े बगैर नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा क्या करो नबी वाला, माफ करो, माफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, सबर करो, माफ करो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे अनस एक बहुत बड़ी सुन्नत बताऊं, बहुत बड़ी सुन्नत, दाढ़ी सुन्नत है, पगड़ी सुन्नत है, सफेद लिबास सुन्नत है, बहुत बड़े का लफ्ज मुझे यही याद है, हो सकता है कहीं और भी हो। मेरे बेटे अनस एक बहुत बड़ी सुन्नत, अगर तो ये सुन्नत पे अमल कर गया तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। जो भी कर ले, जो भी, वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ। मेरा जन्नत का साथी जो इस सुन्नत पे अमल कर गया। क्या है या रसूल अल्लाह, या बुनैया इन कदर था, अगर तू कर सके। इशारा है कम तेन औखा दसन लगा, सौखा नहीं है। इन कदर था अगर तू कर सके, इन इस्तता, दो लफ्ज आते कि बेटे काम औखा है लेकिन देखो तुम्हें मिलेगा क्या, जन्नत नहीं, जन्नत में नबी का पड़ोस मिलेगा। एड्डा वड्डा काम तेरा ना, देखो ना 4-5 लाख नाल ता इत्थे हुण एक गज नहीं लभदा। ते कोई बंदा बोझे च पा के आज लख रुपए का 2000 गज का बंगला लै दे, तो अक्सर पागल खाने कर लो। जन्नत का मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है, पर जन्नत में नबी का साथ मिलना कोई सौखा काम तो नहीं होगा, है करी तो पसीना आवेगा। आपने फरमाया बेटे इन कदर था, जोर लगेगा, अंतुस्बिह वतुमसिया, सारी जिंदगी करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। दाढ़ी तो एक दफा रख लिया, थोड़ी सफाई सुथराई है, लेकिन ये रोजाना करना पड़ेगा, सुबह शाम करना पड़ेगा, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। और तो इसमें थकेगा क्या है, वली सफी कल्बे का गश्शन ले अहदिन फफअल,
सुबह शाम इस दिल में किसी की नफरत ना आने देना, किसी के लिए बुगज ना आने देना, किसी का खोट ना आने देना, किसी से कीना, गिश, सारे अल्फाज को अपने अंदर समेटे हुए। और मेरे नबी की अजीब बात, ले आहद, ले आहद, ले आहद, किसी भी इंसान, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, नेक आदमी नेक औरत नहीं, किसी भी इंसान, ले आहदिन, आज ले आहद 7 अरब इंसानों पे बोला जा रहा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे बेटे दुनिया के तमाम इंसानों से दिल साफ रखना, क्या होगा? चाहिए तू जन्नत में मेरा साथी बन जाए। तो भाइयों बहनों, ईमान को मुकम्मल करना है तो सब्र करना सीखो, माफ करना सीखो, चुप रहना सीखो, साज खामोश है, फरियाद से मामूर है, जवाब देना तो क्या मसला है, ताकत चुप रहने पे लगती। कोई उभर जाए, बेटा उभर जाए, बीवी उभर जाए, खामिद उभर जाए, चुप हो जाओ, गुजार दो इस तूफान को। वापसी में ईमान की वो अल्लाह हलावत मिठास देगा, सारी जिंदगी महसूस करते फिरो। ये सिफत भी मुआशरे में कोई नहीं, ना कोई माफ करना जानता है, ना कोई सबर करना जानता है। तो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मुआशरे में कोई नहीं है, मैं और आप कर लेंगे तो हमारी कीमत बड़ी लग जाएगी। तो इस्लाम की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी, ईमान की इब्तिदा भी बता दी, इंतहा भी बता दी। ये शुरू होता है इबादात से, अकायद से, और मुकम्मल होता है अखलाक पर, दरगुजर पर, अखलाक की तमाम सिफात पर।